हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक पुराने शर्ट का कपड़ा लिया हुआ है, तो अगर आपके पास भी कोई शर्ट का टुकड़ा बचा हुआ है तो आप उसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें इसको कट करना है, तो ये हम इसको इंच टेप से मेज़र कर लेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई हम लगभग 15 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 15 इंच की लंबाई चौड़ाई ली हुई है और इसको अब हम कट करेंगे। हाँ, ये मैंने डबल किया हुआ है कपड़े को, तो हम इसको हाफ करेंगे और इसके बाद हम एक पार्ट अलग कर देंगे इसका, और दूसरा वाला पार्ट हम बीच से हाफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला पार्ट जो है वो बीच से इस तरीके से हाफ़ करेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक पार्ट मैंने इसको कट कर दिया है और अब हमें यहाँ पे इसको ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए, दोनों साइड मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद अब हमें दूसरा वाला पार्ट लेना है और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट जो है एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर रखना है और साइड साइड से इसकी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ यहाँ से सिलाई करने के बाद हम एक पार्ट और लेंगे और इसको हम सीधा उल्टा करके इसको भी रखेंगे। तो नीचे वाला पार्ट हमारा सीधा रहेगा और ऊपर वाला पार्ट उल्टा रहेगा और इस तरीके से हम अब चारों तरफ से इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने स्टिच कर दिया है और इसको मैंने सीधा कर लिया है, तो ये इस तरीके से एनवेलप कवर बन गया है कुशन का। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको डेकोरेट करने के लिए हमें एक कंघी लेना है और यहाँ पे ऊन लेना है। तो यहाँ पे मैंने पतला वाला ऊन लिया है और इस तरीके से हमने एक कंघी का यूज़ किया है। तो ये चीज़ें हमें लेनी है और इसके बाद हम इसको इसमें फोल्ड करेंगे राउंड। तो इसको हम चाहे तो डबल कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना दोहरा कर सकते हैं और तब आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको राउंड करेंगे। और राउंड करने के बाद हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे आप जितना चाहे उतना यहाँ पे राउंड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम एक छोटा पीस लेंगे ऊन का और इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम बीच से बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे। और दोनों साइड से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसको अच्छे से ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम अच्छे से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से इसमें नॉट्स लगाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसको ओपन कर लिया है और इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा पीस लेंगे और इसको हाफ ऑफ पार्ट करेंगे।
तो थोड़ा थोड़ा हम पार्टीशन में इसको इस तरीके से कर देंगे। और इसको करने के बाद हम यहाँ पे इसमें नॉट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ दूरी पर हम सेंटर से कुछ दूरी पर यहाँ पे हम इसको नॉट लगा देंगे। और इसी तरीके से हम सारे पार्ट में हम नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये बन गया है और इसी तरीके से हमें सब में लगा देना है। तो ये बनकर रेडी हो गया है और अब हमें यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक सेंटर में पर्ल ऐड करेंगे। तो कोई भी आप मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक इसमें हम सुई धागे की मदद से अटैच करेंगे। ये देखिए ये जॉइंट हो गया है और इसी तरीके से हमें और भी पीसेस इसके बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट बनाए हैं इसके और इसको अब हम इसमें जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे सुई धागे से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हम तीनों को इस तरीके से सुई से ऐड करेंगे और डिज़ाइन बनाकर हम किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसके पीछे से हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ से निकाल कर हमें इसमें इसको लगा देना है। इसी तरीके से हमें तीनों को इसमें ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गया है हमारा प्यारा सा कुशन कवर। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही कम टाइम में और डिज़ाइनर कुशन कवर बनकर रेडी हो गया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश जो कि बिल्कुल हाइजीन होता है और ये आपके प्राइवेट एरिया को क्लीन करने के लिए होता है।
अगर आपके प्राइवेट एरिया में ईचिंग होती है या तो फिर इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके प्राइवेट एरिया को बिल्कुल क्लीन रखेगा और ये SLS फ्री होता है और सोप फ्री होता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स और भी आप इसके प्रोडक्ट्स की ले सकते हैं।